यस yes, दोस्तों हेलो बड़ी हेलो बेबी हेलो बाबू जी हाव यू हेलो दोस्तों आ जाइए जब भी सभी लोग जल्दी से आ जाइए बेटा जी फास्ट 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 आएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे आइए जल्दी से करते हैं चिकनी चमेली को करते हैं आइए जल्दी आ जाइए की तो सासू का माथा हो जाएगा एयर ड्रॉप से आ नहीं रहा है हा एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप में ओपन करता हूँ मैंने मेरा कल बोला था ना मैंने कि लूंगा करके

अभी थर्ड फ्लोर पे जा तू क्या क्या जा, जाऊं थर्ड फ्लोर पे वो लैपटॉप लेके एक मिनट वो आईपैड लेके आना थर्ड फ्लोर पे हां अभी हम गए थे वहां पे हां दूसरा वाला वो जो आईपैड है एक मिनट रुक एक मिनट रुक मुझे बत, पूछ बताने दे पूछ बता बताता हूं तेरे को रुक जा हम्म नहीं कर पुराने वाले हाँ चलिए दोस्तों आ जाइए दोस्तों आ जाइए हाँ हाँ चलिए कर दिया इधर से कर दिया आज अपन चैप्टर नंबर थ्री कर ले बेटा पहले ठीक है सो विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर थ्री हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यस बड़ी। सर आज अचानक कैसे आ गया भाई अचानक नहीं आए हैं रोज ही आते हैं ना यार साढ़े बारह का तो है ना अपना टाइमिंग अपॉइंटमेंट फिक्स है ना चलो ठीक है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था मतलब मोदी सर का मैराथन चल रहा था एंड मैं भी ये मैराथन लेक्चर देख लेक रहा हूँ ले रहा हूँ मतलब तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो चलो चैप्टर नंबर थ्री करें जल्दी से छोटा नंबर थ्री कर लेते हैं बेटा आ जाओ तो एस एल एम सी में कहते हैं चैप्टर हो गए बेटा अभी तो आर ही हुआ है सिर्फ देखो यार छोटा सा चैप्टर है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एसबीओ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ सकती है जिसको हम बोलते हैं एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना yes. <coughs> देखेंगे तो चैप्टर नंबर दिस बेटा आपका मेंबर्स एंड वॉट शेयर होल्डर जब हम बात करते हैं मेंबर्स एंड शेयर होल्डर की हु कैन बी ए मेंबर कौन मेंबर बन सकता है तो बोलना बेटा जी सब मेंबर बन सकते हैं कौन मेंबर बन सकता है सब सब फॉर वॉट सब्सक्राइबर ऑफ एम एम जो एम को सब्सक्राइब करता है वो बंदा मेंबर बन सकता है दूसरा जिसका एग्रीमेंट हुआ है राइटिंग में जिसका क्या हुआ है एग्रीमेंट हुआ है राइटिंग में वो बंदा भी क्या बन सकता है मेंबर बन सकता है कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है इन राइटिंग में एग्रीमेंट कैसे होएगा तो उसने एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन के बाद शेयर्स अलॉट हो गए उसको या उसके फेवर में शेयर ट्रांसफर हो गए या उसके फेवर में शेयर्स ट्रांसमिशन हो गए है ना एग्रीमेंट की बात करते हैं सो so, पहला एग्रीमेंट की बात करेंगे डोंट वरी सो एग्रीमेंट विद राइटिंग दूसरा बी फॉर वॉट बेनिफिशियल ओनर इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमेट अकाउंट देखो आजकल कल शेयर्स ना आजकल ये जो शेयर्स है ना दोस्तों डीमेट अकाउंट में होते हैं तो जब शेयर्स डीमेट अकाउंट में होते हैं ना तो वो शेयर्स आपके नाम पे नहीं होते हैं कंपनी एक्चुअली शेयर्स किसके नाम पे रखती है डिपॉजिटरी के नाम पे और डिपॉजिटरी ये शेयर्स किसको ट्रांसफर करता है मेंबर को तो आप देखो डिपॉजिटरी हो गया रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया रजिस्टर्ड ओनर क्योंकि इन द बुक्स ऑफ कंपनी हु इज रजिस्टर्ड ओनर लेकिन ये सिर्फ डिपॉजिटरी नाम का है बाकी सारे के सारे फायदे किसको होने वाले हैं बेनिफिशियल ओनर को होने वाले हैं ऑब्वियसली बात है करेक्ट है ना सर लिंक तो भेजो लिंक नहीं क्या ग्रुप में अरे लिंक भेजना ना बेटा एग्जीक्यूटिव के सारे ग्रुप में आओगे हाँ। okay, उसके बाद देखिएगा बेटा सो so, देखो यार सुनो ना मेरी बात सुनना बेटा बेनिफिशियल ओनर मतलब कब जब आपके शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं डीमैट फॉर्म में जब शेयर्स कौन से मोड में होते हैं डीमैट मोड में तो इस चीज को सम, इस चीज को समझना थोड़ा सा देखो जब आपके शेयर्स डीमेट मोड में होते हैं एक होता है रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है और एक होता है बेनिफिशियल ओनर एक कौन होता है बेटा रजिस्टर्ड ओनर दूसरा कौन होता है बेनिफिशियल ओनर तो देखो जब हम शेयर्स डीमेट मोड में होते हैं ना तो कंपनी ना कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के किस में रजिस्टर ऑफ मेंबर में ठीक है किसका नाम होता है डिपोजिटरी का नाम होता है किसका नाम होएगा बेटा डिपोजिटरी का वेर एस डिपोजिटरी भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है है ना और वो किसका में रिलायंस मैं, मैं का शेयर होल्डर हूं बेटा ठीक है आई एम द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कंपनी ठीक है तो मैं कंपनी का उसमें लिंक आ रही है बेटा ग्रुप में लिंक सेंड हो रही है आप भी आपके दोस्तों आप भी आपके दोस्तों को लिंक भेज दीजिए सो so, जब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड ओनर की तो डिमैट मोड में रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है डिपॉजिटरी एंड हम लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं बेनिफिशियल ओनर हम लोग कौन होते हैं बेटा बेनिफिशियल ओनर बराबर है तो हम कौन है बेनिफिशियल ओनर और नो हम कौन है बेटा जी बेनिफिशियल ओनर ठीक है ना सो so, चीज को समझना बेनिफिशियल ओनर इज ऑल्सो में नहीं है लेकिन वो कौन है तो <coughs> मेंबर कब बन सकता है एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका नाम कहा होना चाहिए रजिस्टर ऑफ में बस पर्सन शुड बी मेजर साउंड माइंड और नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ कभी कंपनी का मेंबर बनना है ना तो आप साउंड होने चाहिए स्कालीफाइड नहीं होने चाहिए और मेजर होने चाहिए अच्छा सब्सक्राइबर टूम जल्दी से सुनना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना दो पर्सन सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी दोस्ट पर्सन सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो साइन करता है सब्सक्राइब करता है वो कंपनी का क्या कहलाएगा डीम्ड मेंबर कहलाएगा वो कंपनी का क्या कहलाएगा बेटा डीम्ड मेंबर है ना और वो तो मेंबर होगा ही होगा जैसे मैंने कंपनी बनाई मेरा नाम एमओ एम है एज अ सब्सक्राइबर हमें पता है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए दो व्यक्ति चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए सात व्यक्ति चाहिए तो इन लोगों का नाम कहाँ लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो ये जो व्यक्ति है ना ये जो व्यक्ति है ये कौन है बेटा जी आपका ए, इनको डीम्ड मेंबर मानेंगे ये कैन नॉट रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड ना बाद में ये भी नहीं बोल सकते मेरा नाम फ्रॉड से कहा गया है में डाला ये नहीं बोल सकते वो क्या रहेंगे बेटा जी आपका मेंबर रहेंगे चलिए दूसरा है एग्रीमेंट इन राइटिंग देखो एग्रीमेंट से चार तरीके के लिए सर देखो तो एक ग्रुप में लिंक नहीं गई ऑनलाइन भी सर सत्तर लोग देख रहे हैं बस पढ़ाना शुरू कर दिया हद है <coughs> लिंग अब आई है ये चीटिंग है सर है आज मैं तुमको ना सरप्राइज दे रहा था मैं देख रहा था तुम कितने पर्टिकुलर हो हाँ रिंग आई नहीं ना यही मैं देखना चाहता हूँ कितने तुम पर्टिकुलर हो है ना <laughs> है ए नॉनसेंस सरप्राइज सरप्राइज <laughs> आज सबसे लोवेस्ट स्टूडेंट है नाइन्टी स्टूडेंट है सिर्फ अपने यहाँ पे देखो ऐसा भी तो होना चाहिए ना तो ऐसा अच्छा फील हो बाकी लोगों को लगे लो कंपनी लोग में इतने कम बच्चे हैं बाकी लोग खुश हो जाए हैं कंपनी लोग पढ़ाने वाले हैं हाँ। चलिए सर डीम मेंबर बताइए डीम मेंबर मतलब क्या बेटा जी <coughs> तान्या अगर उसका नाम सब्सक्राइबर में है सब्सक्राइबर में अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो वो डीम मेंबर कहलाएंगे है ना बाद में वो, वो नहीं बोल सकते कि मेंबर हम नहीं बनेंगे मेंबर, सिंपल सी बात है अगर आपके सर जय जय श्री राम मैं ये लिंक भेज दूंगा बाद में वापस से ग्रुप में डोंट वरी और ये लेक्चर भी पब्लिक ही रहेगा ठीक है पहले ऐसा था कि मोदी सर का लेक्चर चल रहा था ईबीसीएल का तो मैं सोचा लेक्चर नहीं लेता हूं बट मैंने बोला कि यार एक छोटा टॉपिक है है ना एक घंटे में खत्म भी हो जाएगा तो ले लेते हैं ठीक है ना डाला ना मैसेज नहीं आया क्या मैसेज नोट्स में ग्रुप पे भेज देता हूँ आपको ये खत्म होने के बाद भेजता हूँ बेटा चलिए आज राइटिंग प्रैक्टिस होगी शाम में बजे मैं अपडेट करवा दू मेरा फोन का है? आ, फोन करना सार तेरी सासों का माता चलिए वो बाद में डालना उसको फोन कर किशोर को और बोलना सुबह शाम का छह से सात राइटिंग प्रैक्टिस है उसका मैसेज डालना सारे ग्रुप में कंपनी लॉ का चलिए एग्रीमेंट इन राइटिंग मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों एग्रीमेंट इन राइटिंग की अगर हम बात करें बेटा ध्यान से सुनो बेटा एग्रीमेंट इन राइटिंग की अगर हम बात करें तो कैसे बन सकते हो आप मेंबर एक है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन करोगे आप शेयर्स के लिए और आपको अलॉटमेंट हो जाएगा दूसरा आपके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हो गया जैसे मैंने मोदी सर को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए मैंने मोदी सर को क्या कर दिया दोस्तों शेयर ट्रांसफर कर दिए तो मोदी सर क्या बन गए मोदी सर क्या बन गए मेंबर बन गए करेक्ट है यहां तक मोदी सुनो तीसरा ट्रांसमिशन ठीक है मेरे जाने के बाद शेयर्स ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएंगे आप लोगों को ठीक है ना आप लोग क्यों हूं मैंने लिख दिया आपने इसके अंदर के दिसंबर 2022 और जून 2023 है ना ये जो बच्चे हैं जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सब इनको दे दो बेटा सब इनको दे दो हाँ ठीक है ना हर बैच में ही बोलता हूं ना तो जितने भी बैचेस में थोड़ा थोड़ा पैसा सब में बांट लेना भैया अभी मेरे पास हाल फिलहाल में चार हैं, है ना वो भी दो फटी हुई है और एक है और एक पेंसिल है है ना तो हाल फिलहाल यही है क्या बोल रहे पिल्ला फोड़ी बिस्मिल्ला इर्मिल्ला रहीम रसूले ओके okay, क्या लिखा है भाई सेम टू यू जो भी लिखा है मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया okay. so, अच्छा, समझना इस इस सा गौर फरमाना आप कंपनी का मेंबर कब कहलाओगे बेटा आप कंपनी के मेंबर कब कहलाओगे जब अगर आपका नाम दोस्तों आपका इक्विशंस और स्टॉपल मतलब जब आपका नाम ना रजिस्टर ऑफ में लग गया बेटा है ना आपका नाम कहाँ लग गया ऑफ मेंबर में गलती से गलती से मिस्टेक हो गई है क्या हो गई है गलती से मिस्टेक हो गई है है ना और मैंने क्या किया आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या कर दिया मैंने लिख दिया जैसे गलती से मैंने इसका का दर्शन का नाम क्या कर दिया रजिस्टर ऑफ में लिख दिया और उसको बोलते बाय एक मतलब गलती से मिस्टेक हो गई और मैंने नाम कहाँ लिख दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्शन को मालूम पड़ा हाँ हाँ बोले मेरा नाम लग गया कहां पे पे रजिस्टर रजिस्टर ऑफ ऑफ मेंबर मेंबर में 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 बोले मेरा मेरा नाम लग गया बराबर है तो उस सिचुएशन उस केस में ये होगा हो इसके पास ऑप्शन है उसके पास ऑप्शन ये है बेटा उसके पास ऑप्शन ये है या तो अपना नाम निकलवा ले रजिस्टर से या तो अपना नाम क्या कर ले दोस्तों निकलवा ले अगर उसने अलाउ किया कि ठीक है रहने दो जैसा चल रहा है चलने दो ए, क्या हो गया तेरे को सब ठीक है ना क्या हो गया बाल को तेरे उड़ के तो नहीं आई ना ऐसा बाल बालों के सहारे चले सो so, क्या बोला है अ पर्सन थैंक यू सी बीना थैंक अ पर्सन डीम टू बी अम्बर ऑफ द कंपनी अलाउ हिज नेम टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर किसी का नाम डाल दिया ना भैया हमने किसी का नाम डाल दिया दोस्तों तो कहा नाम डाल दिया रजिस्टर में तो वो हमारा क्या बन जाएगा डीम्ड मेंबर उसने अलाउ भी किया रह ठीक है लेकिन अगर चाहे तो वो क्या करेंगे बेटा नाम निकलवा निकल सकता है है ना सो हाउ एवर ही कैन एस्केप हिज लाइबिलिटी बाई वॉट टेकिंग प्रॉम्प एक्शन फ्रॉम having his name removed from the register of member ठीक है गोविंदा जी मैंने आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया है आप भी बोल रहे हो जैसा चल रहा है चलने दो रहने दो तो आप तो आप तो मेरे मेम्बर कहलाओगे डीम्ड मेंबर आप मेरे कहलाओगे और आप यू आर लाइबल एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कल को कंपनी बंद हो गई तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना है वो आपको देना पड़ेगा और लेकिन हाँ जब आपको मालूम पड़ा कि आपका नाम गलती से चढ़ गया है तो आप क्या कर सकते हो उसको उतार सकते हो चढ़ गया है तो उतर जाओ आई मीन टू से नाम अगर गलती से चढ़ गया है तो आप उसका अपना नाम क्या कर सकते हो रिमूव करवा सकते हो अगर आपने नाम रिमूव करवा दिया तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी और अगर रहने दिया तो लाइबिलिटी रहेगी नेक्स्ट वन बेनिफिशियल ओनर हम लोगों ने देखा हुआ है अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या माइनर मेंबर बन सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या माइनर मेंबर बन सकता है क्या दोस्तों तो आंसर इज नो माइनर कैन नॉट बिकम अ अब मेंबर माइनर को मेंबर नहीं बना सकते आप यार माइनर को क्या नहीं बना सकते आप मेंबर नहीं बना सकते रीजन बिंग सो सिंपल माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है ना महेश माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंशु आई एम सॉरी बेटा अंशु आई एम सॉरी बेटा सर अभी लिंक आया ऑफिस वाले अभी लिंक सेंड किए आई एम सॉरी बेटा आई एम सॉरी बेटा आई एम सॉरी कान पकड़ के नाक पकड़ के आंख पकड़ के तुम्हारा कान पकड़ के चलिए तो माइनर मेंबर नहीं बन सकता सुनो ना बिकॉज द एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइल्ड एप इनिशियो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट क्या बोला गया दोस्तों माइनर के साथ एग्रीमेंट कैसा होगा वाइल्ड एप इनिशियो होगा तो माइनर को आप मेंबर नहीं बना सकते ध्यान रखना लेकिन कंपनी अगर शेयर्स माइनर को अलॉट कर देती है और उसका नाम भी कहां रख देती है रजिस्टर ऑफ मेंबर में

ईटी e में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना कि माइनर को है ना माइनर को आप बेनिफिट दे सकते हो बर्डन नहीं दे सकते माइनर को आप क्या दे सकते हो बेनिफिट दे सकते हो बर्डन नहीं दे सकते तो वैसे ही है अगर कंपनी ने माइनर का नाम कहां लिख दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया तो पहली चीज क्या माइनर लायबल होगा आंसर इज नो माइनर लाइबल नहीं होगा हाँ माइनर जब मेजर बन जाएगा ना तो हम उससे पूछेंगे माइनर जब क्या बन जाएगा मेजर बन जाएगा तो हम उससे पूछेंगे क्या पूछेंगे बेटा कि भैया आपको कंटिन्यू करना है या रहना है अगर वो जब वो मेजर बना तो क्या वो अपना नाम रिमूव करवा सकता है आंसर इज यस वो अपना नाम क्या कर सकता है रिमूव करवा सकता है और अगर उसने कंटिन्यू किया आफ्टर बिकम ही आफ्टर बिकमिंग द मेजर मेजर बनने के बाद उसने नाम अगर अपना कंटिन्यू करा है देन ही इज लाइबल फॉर दी जो भी लाइबिलिटी बनती है उसके लिए लाइबल होगा देखो एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर थ्री से ना एक क्वेश्चन बन सकता है ठीक है और मेजोरिटी बनेगा एसबीओ का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का तो उसके ऊपर अपन पूरा थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे हाँ इसके ऊपर भी बन, सका, बन सकता है माइनोरिटी के बात करते हैं माइनॉरिटी की तो माइनर क्या मेंबर बनेगा क्या माइनर को आप मेंबर बना सकते हो आंसर इज नो माइनर को आप मेंबर नहीं बना सकते क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है वाइड एप इनिशियो ठीक है लेकिन दोस्तों अगर माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ भी गया है अगर माइनर का नाम रजिस्टर में आ भी गया है तो मुझे बताओ क्या माइनर कोई भी चीज के लिए लाइबल होगा क्या माइनर कोई भी चीज के लिए लाइबल होगा क्या माइनर लाइबल नहीं होगा माइनर लाइबल नहीं होगा बेटा बिकॉज यू नो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा होता है वॉइड एप इनिशियो होता है यस और नो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है वर्ड एप अभी अपनी माइनर आई नहीं आज नो अच्छा ये रहा अपने माइनर क्यों तेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता भाई मैं तेरा नाम रजिस्टर में लिख सकता हूं मैं नहीं लिख सकता इधर आ इधर यहाँ तू बेटा ये देखो ये हमारा माइनर है कहीं से भी माइनर नहीं दिखता ये है।, है ना, ना? ए, मेरा बड़ा भाई दिखता है ठीक <laughs> है ना तो माइनर कहीं से नहीं दिखता है, है? है ना? अच्छा चले सो हा? पीसफुल हाँ जी <laughs> सो मेरे को एक बात बताओ एग्जीक्यूटिव है

बेनिफिट माइनर को तुम सिर्फ क्या दे सकते हो बेनिफिट माइनर को कोई बर्डन क्रिएट नहीं कर सकते में कंटिन्यू करना चाहते हो यस नो अगर इसने बोला हा हा सर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं हाँ सर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अगर इसने ऐसा बोला है तो फिर ये लाइबल रहेगा जब से वो मेजर हो गया है ना जब से वो मेजर हो गया तब से वो लाइबल होगा शेयर्स के लिए जो भी पैसा बचा हुआ है ठीक है ना पार्टनरशिप नहीं थे बेटा बेटा कंपनी पार्टनरशिप थोड़ी पढ़ रहा। आ? हाँ जी अब वो कॉल के लिए लाइबल होगा करेक्ट है अच्छा उसके बाद अगर उस मेजर होने के बाद अगर उसने डिनाई कर दिया कि नहीं 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 हमको नहीं खेलना भाई हमको नहीं खेलना ये अगर उसने मना कर दिया कि हमको नहीं खेलना तो क्या वो लाइबल होगा आंसर इज नो अच्छा कंपनी उसका नाम निकाल सकता है मेंबर से यस ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी वो निकाल सकता है और वो खुद भी निकाल सकता है ठीक है अच्छा जिस बंदे ने माइनर को शेयर ट्रांसफर किया है तो कॉल मनी के लिए कौन लाइबल होगा ट्रांसफर होगा ट्रांसफर अच्छा एक क्वेश्चन आता है एक्सपल्शन ऑफ मेंबर क्या आप कोई भी मेंबर को निकाल सकते हो कोई भी मेंबर को आप निकाल सकते हो आंसर इज नो इट इज इीगल एंड वॉइड आपको ये क्वेश्चन एसबीसी में भी आ सकता है है ना ये आपको क्वेश्चन एसबीसी में भी आ सकता है आपको ये क्वेश्चन कंपनी लॉ में भी आ सकता है एक दो क्वेश्चन इंटरचेंज होते हैं एसबीसी के क्वेश्चन कंपनी लॉ में आ सकते हैं कंपनी लॉ क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं करेक्ट आते बात इस नो यस बेटा अंशु जी हाँ तो क्या एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ मेंबर अरे ओनर को कैसे निकालोगे भाई ओनर को जैसे मेरे को लगा ये महेश मेरे कंपनी का मेंबर है लेकिन ये जब भी भी कंपनी में आता है ना इधर उधर हाथ लगते रहता है है ना लड़कियों को परेशान करते रहता है जब देखे तब लड़कियों को छेड़ते रहता है तो लड़कियां बहुत परेशान है तो मतलब बाकी जो लेडीज मेंबर है ना वो बहुत परेशान है तो मैंने बोला ये इसको निकाल देते हैं साले को इसको निकाल देते हैं तो कंपनी ने एस पास किया या ओ पास किया और उसको निकाल दिया पॉसिबल है आंसर इज नो एक्सपल्सन ऑफ मेंबर इज इीगल एंड वाइड है ना ये आपका पॉसिबल ही नहीं है एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपल्शन ऑफ मेंबर शेल बी नल एंड वाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट इंसर्ट एनी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिलेटिंग टू एक्सपल्शन ऑफ मेंबर आप मेंबर को निकाल ही नहीं सकते बात ही खत्म हो गई आप मेंबर को निकाल ही नहीं सकते भैया मेंबर को कैसे निकालोगे ना ओनर को कैसे निकाल, निकाल दोगे आप है ना ये तो इलिगल हो जाएगा है ना चलिए उसके बाद प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट तो कहां पे रखते हैं बेटा रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कोई और प्लेस पे रख सकते हो <coughs> तो कहां रख सकते हो एनी प्लेस विद इन सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड या फिर कोई भी ऐसे प्लेस पे रख सकते हो जहां पे मोर देन टेन परसेंट शेयर होल्डर आपके रहता है ठीक है सो so, आप मुझे बताइए आप ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह है ये कहां रखोगे एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी रखोगे बेटा एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ सर पैसा वापस देके इनडायरेक्टली एक्सपेन्शन कर सकते नहीं उसको फिर हम या तो बाईबैक का नाम देंगे है ना या उसको हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी को नाम देंगे एक्सपल्शन इज नॉट अलाउड है ना आप उसको निकाल नहीं सकते हो ठीक है सो स्पेशल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके देखो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट कहां रखे जाएंगे सिटी टाउन विलेज वेर रजिस्टर ऑफिस ऑफ दिचुएटेड लाइक पुणे में मेरा ऑफिस है तो मैं पुणे में कहीं पे भी रख सकता हूँ पुणे में मेरा रजिस्टर ऑफिस है तो मैं पुणे में कहीं पे भी रख सकता हूँ या फिर कोई ऐसे प्लेस पर रख सकता हूँ जहां पे मोर देन वन टेंथ ऑफ वॉर्ड बेटा शेयर होल्डर जहां पे रहते हैं मोर देन वन टेंथ शेयर होल्डर जहां रहते हैं वहां रख सकते हैं जैसे ही अच्छा एंट्री कितने दिन के अंदर करनी है रजिस्टर के अंदर सात दिन के अंदर एंट्री इन रजिस्टर देखो शेयर ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं तो उस रजिस्टर में एंट्री कितने दिन के अंदर करनी है सात दिन जैसे मैंने मोदी सर को शेयर ट्रांसफर किया तो मेरे नाम की जगह है, मुझे सर का नाम कितने दिन के अंदर चढ़ेगा सात दिन और प्लेज किया तो कितने दिन के अंदर लिखना है पंद्रह दिन के अंदर एंट्री करते हुए चलनी है सर ये रजिस्टर को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है तो मेंबर कर सकता है डिबेंचर होल्डर कर सकता है सिक्योरिटी होल्डर कर सकता है विदाउट फीस एक्सपेंशन इज बाय बाई या एग्जिट अपॉर्चुनिटी को ही कह दी नहीं ना बेटा एक्सपल्शन मतलब आप मेंबर को बाई पासिंग रिजोल्यूशन निकाल रहे हो एग्जिट अपॉर्चुनिटी टोटल या डिफरेंट नहा पे आप पूरा उनको एक ऑफर दे रहे हो वो आपको शेयर्स बेच रहे हैं उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना चलिए मुझे बताओ इंस्पेक्शन ये रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह को इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट कौन कर सकता है मेंबर कर सकता है डिबेंचर होल्डर कर सकता है सिक्योरिटी होल्डर कर सकता है करेक्ट नहीं आते बात के वो भी कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन कब आओगे ड्यूरिंग को को और कोई बाहर वाले को अगर इंस्पेक्ट करना है कर सकते हैं उसके लिए क्या लगेगा फीस लगेगा कितने रुपए का सौ रुपए का कॉपीज ऑफ रजिस्टर सात दिन के अंदर सप्लाई करना फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ फीस एंड फीस शेल नॉट एक्सीड टेन रुपीज पर

बुक क्लोजर रिकॉर्डेड क्या होता है अच्छा आपने कभी ऐसा देखा ही होगा जैसे बैंक वगैरह में गए होंगे ठीक है ना बैंक वगैरह में आप लोग गए होंगे दोस्तों और बैंक वगैरह में जाने के बाद ना आपने वहां फील करा होगा कि यार अभी बैंक बंद होने वाला है और उस टाइम पे शटर क्या कर देते हैं डाउन कर देते हैं और शटर डाउन करने के बाद जो कस्टमर है आ? जो जो क्या है एग्जिस्टिंग कस्टमर है क्या उनको ही सर्विसेज देंगे अभी नए कस्टमर को नहीं लेंगे देखो मुझे बताओ डिविडेंट डिविडेंट किसको मिलता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में बट रजिस्टर ऑफ मेंबर का तो नाम चेंज होते, रहते ना? होते रहते ना? है सर, रहता है ना भाई रोज ही चेंज होते रहता है ना ठीक है ना सर पोनी कौन होता है पोनी का मतलब क्या हो गया जिसको हमने शेयर दिए हुए पोनर पोनी पोनी शे, आपका ओनर नहीं होता है ना पोनी आपका ओनर नहीं होता है बेटा चलिए अब देखो यार रिकॉर्डेड क्या होता है एंड से मॉड्यूल में फीस पचास सो हो गई है हाँ क्या होता है एंड मेरी बात समझना वट इज बुक क्लोजर बुक क्लोजर मतलब क्या अब मुझे डिविडेंड देना है क्या देना है बेटा जी डिविडेंड अब मैं डिविडेंड किसको दूंगा डिविडेंड किसको दे दू मैं शेयर होल्डर को देता हूँ yes no? किसको दे रहा हूँ शेयर होल्डर को दे रहा हूँ अब शेयर होल्डर को दे रहा हूं ना भाई, तो कौन से शेयर होल्डर को दू तो एक बुक्स करके कर कर देखता हूँ कि का नाम है जिनका नाम रजिस्टर में है ना उस व्यक्ति को मैं क्या दूंगा डिविडेंड दूंगा या बोनस दूंगा या राइट इश्यू दूंगा तो व्हाट इज बुक क्लोजर बुक क्लोजर इज द डेट वेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी बुक्स क्लोज होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या हुआ ये बुक क्लोजर सो बुक क्लोजर बुक क्लोज क्यों करते हैं अच्छा बुक क्लोजर एक पीरियड के लिए होता है और रिकॉर्डेड सिर्फ एक दिन के लिए हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करते हैं ना सिर्फ एक दिन के लिए जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करते हैं उसको बोलते हैं क्या रिकॉर्डेड उसको क्या बोलते हैं बेटा रिकॉर्डेड और जब हम मल्टीपल डेज के लिए बुक्स को क्लोज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बुक क्लोजर सो वट इज बुक क्लोजर बुक क्लोजर क्यों करते हैं टू डिटरमाइन एलिजिबल शेयर होल्डर To determine what eligible shareholder company shall close the books or register, ठीक है अच्छा जब भी आप बुक क्लोज करोगे सात दिन पहले आपको बताना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर को इंटीमेट करना पड़ेगा सात दिन पहले कि हम बुक्स क्या कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं सर बुक्स कितने दिन क्लोज हो सकता है तो एट ए टाइम तीस दिन मतलब लगातार मैं तीस दिन तक बुक क्लोज रख सकता हूं और साल भर में कितने दिन पैंतालीस दिन मैक्सिमम एट वन टाइम थर्टी डेज साल भर में पैतालीस दिन एट ए वन टाइम थर्टी डेज साल भर में पैंतालीस और रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर का ही पार्ट है सिर्फ एक दिन जिस दिन जिस बुक क्लोज होता है एक ही दिन बुक क्लोजर इज अ पीरियड कितने दिन महेश बुक क्लोजर कितने दिन के लिए हो सकती है तीस दिन एक साथ लगातार कितने दिन तीस दिन और साल भर में फोर्टी फाइव डेज अगर थोड़ा 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 बंद करो तो पैंतालीस दिन मैक्सिमम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो सकती है और अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट तो सिर्फ एक दिन का होता है दोनों ही केस में आपको शेयर होल्डर को कितने दिन पहले बताना पड़ेगा सात दिन पहले बताना पड़ेगा कितने दिन पहले बताना पड़ेगा सात दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वन है right, है वोटिंग राइट ठीक फिर उसमें दिया है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मतलब किसकी चलेगी शेयर होल्डर की ठीक है फिर बोला है शेयर होल्डर एग्रीमेंट शेयर होल्डर एग्रीमेंट मतलब किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच में जैसे कल अपन ने देखा था केएमपी के चीज में शेयर होल्डर एग्रीमेंट करके हम के को क्या कर सकते हैं शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट मतलब शेयर होल्डर ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ ठीक है कि किस तरीके से कंपनी चलेगी अच्छा एक होता है यार वीटो पावर।, एक क्या होता है? वीटो पावर और एक होता है कास्टिंग वोट पहले यह समझ लो वट इज वीटो पावर वीटो मतलब किसी चीज को रोकना टू स्टॉप और टू प्रोहिबिट सम उसको बोलते हैं वीटो पावर ठीक है ना वीटो का मतलब होता है टू स्टॉप किसी एक्ट को रोकना उसको बोलते हैं वीटो पावर स्पेशल पावर वीटो पावर इज वॉट स्पेशल पावर टू स्टॉप समथिंग है ना इसका मतलब क्या है सुनना बेटा जी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है जैसे यार मुझे डर है कि मेरी कंपनी कोई खरीद ना ले सारा मैंने इतनी मेहनत डाली है कंपनी में मेरी कोई कंपनी खरीद ना ले तो मैंने एक एग्रीमेंट एक मैंने ना आर्टिकल में प्रोविजन डाला हुआ है कि जब भी कोई कंपनी खरीदने जाएगा जब भी कोई कंपनी खरीदने जाएगा मेरे पास पहला अप्रूवल फर्स्ट अप्रूवल मेरे से लेना पड़ेगा इफ आई एम होल्डिंग ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट शेयर जो भी है कंपनी ने एग्रीमेंट करके डाल दिया मतलब आर्टिकल में डाल दिया कि इस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा तो उस व्यक्ति के पास क्या है उस व्यक्ति के पास वीटो पावर है मतलब द पर्सन कैन स्टॉप दी टेक ओवर एक एक्साम्पल था अच्छा दूसरा जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम शेयर होल्डर को क्या शेयर होल्डर से क्या लेते हैं शेयर होल्डर से ऑर्डिन रिजोल्यूशन हम लोग पास करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हम शेयर होल्डर का अप्रूवल लेते हैं और अगर शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया तो वो क्या चीज रुक जाएगी मतलब शेयर होल्डर के पास कौन सा पावर है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब टू स्टॉप किसी चीज को रोकना उसको बोलते हैं वीटो पावर। so, वीटो पावर पावर सो ज दि स्पेशल पावर टू स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन जैसे क्या होता है मेरी बात समझना दोस्तों किसी बड़े नेता की डेथ हो गई तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं आज के दिन भारत बंद है तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या हो गया ये स्पेशल पावर हो गया स्पेशल पावर जिससे वो क्या कर रहे हैं कोई एक्शन को रोक रहे हैं कोई चीज को रोक रहे हैं दिस इज व्हाट बेटा आपका वीटो पावर जैसे इन सम केसेस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इज मैंडेटरी टू अप्रूव एनी डिसीजन एंड सच पावर इज नोन एज वीटो पावर अरे हम बहुत जगह देखते हैं यार कि यहां पर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना कंपल्सरी है जैसे सेक्शन वन में देखा था हमने शेयर होल्डर बोरिंग अगर आपको करनी है तो शेयर होल्डर का क्या लगता है अप्रूवल लगता है हा है ना तो शेयर होल्डर के पास कौन सा पावर हो गया वीटो पावर बिकॉज स्पेशल पावर है उनके पास ठीक है ना किसी चीज को रोकने के पावर को हम बोलते हैं वीटो वीटो पावर पावर जैसे क्या है रिलेटेड पार्टी हो सो इन कंपनीज वीटो पावर इज गिवन टू होम शेयर होल्डर जैसे बहुत सारे केसेस में क्या पास करना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन नेक्स्ट वन है कास्टिंग वोट कौन सा वोट है बेटा कास्टिंग वोट देखो कास्टिंग वोट होता है चेयरमैन के पास कास्टिंग का मतलब होता है जब वोट इक्वल हो जाते हैं है ना जैसे बोर्ड मीटिंग चल रही है बोर्ड मीटिंग के अंदर दस डायरेक्टर है पांच ने बोला हा पांच ने बोला ना चेयरमैन ने वोट दे दिया टोटल मिला के दस लोग आए थे चेयर टोटल चेयरमैन को मिला के दस लोग आए थे तो पांच ने हा बोला पांच ने ना बोला इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑल्सो चेयरमैन ने अपना एक वोट दे, तो दे दिया है बिकॉज चेयरमैन इज ऑल्सो डायरेक्टर तो उसने अपना वोट दे दिया है तो दस वोटिंग हो चुकी है अब डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो चेयरमैन के पास एक स्पेशल वोट करने का पावर है एंड इज नोन कास्टिंग चेयरमैन वीटो पावर किसके पास होता है, है? शेयर होल्डर कास्टिंग वोट को वोट डिस या डिसीजन मेकिंग वोट भी बोल वो सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी जब हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा वोट देते हैं हा या ना करेक्ट है हाँ जी मतलब किसी के पास भी हो सकता है वीटो पावर तो कर सकता है चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना दैट इज वॉट एस बी ओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर प्रति लिखा है तूने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एस बी ओ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वेरी इंपॉर्टेंट आधा घंटा ध्यान से सुनना हाफ एन आवर पूरा फोकस यहां पे रखना क्या होता है एस बी ओ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है एस बी ओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एस बी ओ मीन्स वॉर्ड बेटा ऐसा होल्डर या ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं, सिग्निफिकेंट शेयर्स है हमको जानना है हमारा कौन है या हमको जानना है हमारे ज्यादा शेयर्स किसके पास है उसको हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मीन एन इंडिविजुअल हु होल्ड टिंग अलॉन ऑट टूगेदर विध वन और मोर पर्सन ऑफ ट्रस्ट और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होल्ड नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर इन दी कंपनी तो एसबीओ के डेफिनेशन में क्या लिखा है बेटा जी ऐसा बंदा जो कंपनी का कितना शेयर होल्ड करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर करता है या तो अकेला या किसी पर्सन के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू या कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू मतलब से मेरे कोई रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं उनके थ्रू मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूं तो अगर कोई बंदा आपके कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना होल्ड करता है पच्चीस के शेयर होल्ड करता है ना बाबू तो उसको हम बोलते हैं द पर्सन इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर द पर्सन इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर फॉर अस हमारे लिए वो कौन हो गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो गया हमारे लिए कौन हो गया बेटा वो एस बी ओ दैट इज वॉट बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और सच पर्सन हु होल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट अच्छा ऊपर बोला 25 परसेंट फिर बोला 10 परसेंट वाले को भी हम एस बी ओ बोलेंगे हु होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना 10 परसेंट ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ दी कंपनी ऊपर 25 परसेंट शेयर बोले ऊपर 25 परसेंट क्या बोले है शेयर बोले हैं यहां 10 परसेंट बोला है नीचे तो ऑब्वियसली बात है 10 परसेंट को भी हम क्या बोल देंगे एसबीओ ऊपर बोला 25 परसेंट और सच परसेंट एज प्रिस्क्राइब तो सच परसेंट में कितना आ गया 10 परसेंट तो जो कंपनी में 10 परसेंट किसका होल्ड करता है वोटिंग राइट का या जिसके पास दस क्या मिलता है जिसको डिविडेंट मिलता है मतलब कंपनी जितना डिविडेंट बांटती है ना उसका दस उस बंदे को जा रहा है तो वो कौन है एसबीओ मेरी बात को ध्यान से सुना मेरी बात को ध्यान से सुनना दस परसेंट जिसके पास क्या है बेटा वोटिंग राइट्स है या दस परसेंट उसको क्या मिलता है या फिर दोस्तों उसको वो क्या करता है राइट टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ द कंपनी मतलब होल्डिंग नहीं है उसके पास होल्डिंग नहीं है बट वो इन्फ्लुएंस करता है कंपनी को वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है जैसे टाटा को क्या हम बोल सकते हैं रतन टाटा जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उनका तो वो हो गए क्या एस बी ओ वो कौन हो गया बेटा जी एस बीओ तो हु आर द एसबीओ पहले तो बताओ एस बी ओ कौन होता है एसबीओ मीनस एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन हु होल्ड्स कितना 25 परसेंट और मोर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आइदर अलोन और थ्रू पर्सन और थ्रू ट्रस्ट और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और होल्ड सच परसेंट एस बी बीज प्रिस्क्राइब या तो वो 25 परसेंट का शेयर्स होल्ड करता है या तो वो दस परसेंट का वोटिंग राइट होल्ड करता है या फिर उसको दस परसेंट का डिविडेंट मिलता है या फिर उसको उसके पास क्या है सिग्निफिकेंट कंट्रोल है सर इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे आ सकता है कंट्रोल कैसे आ सकता है? तो शुभम अब्बड़ होल्ड दी गड़बड़ वाला लिमिटेड शुभम अब्बड़ किसको होल्ड करता है गड़बड़ वाला और गड़बड़ वाला टाटा मोटर्स के अंदर दस परसेंट शेयर होल्ड करते हैं तो मुझे बताओ टाटा मोटर्स में दस परसेंट किसका वाला का और गड़बड़ वाला को कंट्रोल कौन करता है मैं तो इनडायरेक्टली मेरी होल्डिंग हो गई किसके अंदर टाटा मोटर्स के के अंदर तो टाटा मोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से शुभम इज दी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सर इनडायरेक्ट होल्डिंग कैसे हो सकती है मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा जी इनडायरेक्ट होल्डिंग कैसे हो सकती है इस चीज को समझना बेटा पहले मेरे को एसबीओ एकदम क्लियर चाहिए मेरे को एसबीओ बताओ एसबीओ मतलब कौन कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कितना होल्ड करता है 25 परसेंट ऑफ शेयर होल्ड करता है ठीक है दूसरा या तो कैसे अलोन मतलब खुद अकेला या किसी पर्सन के थ्रू या किसी ट्रस्ट के थ्रू या किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू हा है ना ठीक है दूसरा पॉइंट बेटा जिसके पास टेन परसेंट क्या है वोटिंग राइट्स जिसके पास टेन परसेंट क्या है डिविडेंड रिसीव करने का हक है या जो कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है ठीक है अच्छा यह शेयर होल्डिंग या तो डायरेक्टली हो सकती है या तो इनडायरेक्टली हो सकती है इनडायरेक्टली मतलब कैसे बेटा जैसे शुभम अम्बर्ड इज होल्डिंग इज यू नो प्रमोटर या सब शुभम हल्द के पास मेजॉरिटी कंट्रोल है गड़बड़ वाला लिमिटेड के पास लिमिटेड का और गड़बड़ वाला होल्ड करती है टाटा मोटर्स के अंदर दस परसेंट शेयर्स तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के लिए शुभम हल्बड़ कौन है एस बी ओ दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सर कितने दिन लेक्चर नहीं हुए ओए सेल्फ सेड क्या बोल रहे हैं स्नेहास फूड कट्टा कितने दिन लेक्चर नहीं हुए सेल्फ स्टडी कब करेंगे हम अभी से चालू करो ना सेल्फ स्टडी कब करेंगे मतलब क्या कैसी बातें करती है स्नेहा जी ये रिवीजन आपके लिए चल रहा है बेटा और आपको लग रहा है सेल्फ स्टडी करनी तो आप सेल्फ स्टडी करो ना कैसे कै, कभी कभी तो है ना हद कर देते हो बे बोलने के पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो ठीक है चलिए यहां तक क्लियर है अच्छा अभी क्या करना है हमको बात समझना दोस्तों हमको करना क्या है हमको एसबीओ को ढूंढना है भैया हमको किसको ढूंढना है बेटा एसबीओ को ढूंढना है सो देखना दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना जो भी कंपनी के एसबीओ है जो भी कंपनी के क्या है एसबीओ है जो भी कंपनी का कौन है बेटा एसबीओ है तो एसबीओ शेल फाइल अ डिक्लेरेशन टू रिपोर्टिंग कंपनी एसबीओ शेल फाइल द डिक्लेरेशन टू होम रिपोर्टिंग कंपनी इन फॉर्म नंबर बेन वन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम बिकमिंग एसबीओ और चेंजेस इन एसबीओ जब भी आप एसबीओ बन जाते हो या एसबीओ में कोई चेंजेस आता है इफ यू आर होल्डिंग टेन परसेंट शेयर्स कंपनी में तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो रिकॉर्ड होता है ना बेटा और आपके पास इनफैक्ट अभी तो डिमेट मोड में आपके पास शेयर्स है तो आपको सारा डेटा मिल जाता है उसको तो ठीक है ना चले क्या बोला गया एस बी ओ तो एसबीओ ने एक डिक्लेरेशन देना टू रिपोर्टिंग कंपनी सपोज आई एम एस बी ओ आई एम एस बी ओ इन फलाना ढिमकाना कंपनी मैं कौन हूँ एसबीओ ठीक है ना बेटा ये लिखाया ही नहीं है मैंने नोट्स ये लिखाया ही नहीं है बहुत सारे पॉइंट नहीं लिखाया नहीं लिखवाया ही मैंने सिर्फ ये नोट्स अभी मैं भेज देता हूँ भैया रिलायंस का मैं कहा का एस बी ओ हूं मैं रिलायंस का एस बी हूं ठीक है ना यस और नो मैं रिलायंस का एस बी हूं तो जिस दिन मैं एस बी ओ बनाना या एस बी ओ में जिस दिन चेंजेस आए मुझे उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर मैं किसको थर्टी डेज के अंदर अंदर मुझे क्या करना है बोलो जी तीस दिन के अंदर अंदर मुझे किसको फाइल करना है रिपोर्टिंग कंपनी को बताना है फॉर्म नंबर बेन वन की मैं आपका कौन हूं एसबीओ मैं कौन हूं बेटा आपका एसबीओ हाँ चेंज हुआ अगर आप एसबीओ बने हो या एसबीओ आप निकल गए हो तो भी आपको इन्फॉर्म करना है ठीक है ना बेन वन फॉर्म में आपको बताना है कितने दिन के अंदर बेटा जी तीस दिन के अंदर और कंपनी को जिस दिन पता चला कंपनी किसको बताएगी को कितने दिन के अंदर ये वही बात हुई मेरी बात सुनना ये वही बात हुई ध्यान से सुनना ये वही बात हुई क्या हुआ ना कुंतु को कुंतु जैन को प्यार हुआ तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया गर्लफ्रेंड ने जाके पेरेंट्स को बताया ठीक है ना फिर पेरेंट्स ने इसको जो मारा है जो पीटा है बताओ तो क्या कुंतु एसबीओ हो गया सुनो ना कुंतु जिस दिन क्या हुआ कुंतु ने जिस दिन एसबीओ बना उसके कितने दिन के अंदर कंपनी को बताना है थर्टी डेज के अंदर बेन वन में ठीक है गर्लफ्रेंड को बताना मतलब क्या बताना बेटा स्नेहा मैं समझा ही नहीं अगेन आपकी बात ही नहीं समझा सॉरी सर रिवीजन लेक्चर के साथ साथ कंप्लीट कर रहा है स्टडी इसलिए बोला बेटा रिवीजन तो पूरा करवाना पड़ेगा ना मेरी जान रिवीजन तो पूरा करना पड़ेगा ना तो आप क्या करो ना जो जो टॉपिक हो गए रिवीजन के साथ जैसे रिवीजन हुआ सेल्फ स्टडी रिवीजन हुआ सेल्फ स्टडी मैंने पढ़ा दिया उसका पढ़ाई पढ़ा दिया उसको खत्म पढ़ा दिया उसको खत्म करो अच्छा सुनो ना यहां पे गर्लफ्रेंड मतलब कौन कंपनी है और कंपनी ने किसको बताना है आरओसी को कितने दिन के अंदर थर्टी डेज के अंदर इन फॉर्म नंबर बेन टू मेरी बात को ध्यान से सुनना आप बताओगे किसको कंपनी को और कंपनी बताएगी किसको आर को आप कितने दिन, 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 दिन के अंदर बताओगे थर्टी डेज किस दिन थर्टी डेज थर्टी डेज फ्रॉम बिकमिंग दी एस जिस दिन आप एस बन गए उसके तीस दिन के अंदर या फिर जो एसबीओ में आपके चेंजेस आए उसके तीस दिन के अंदर और कंपनी ने किसको बताना है आर को तीस दिन अगले तीस दिन के अंदर करेक्ट ध्यान अगले तीस दिन के अंदर गॉट द पॉइंट चलिए बहुत बढ़िया बेटा बेन वन कंपनी शेल फाइल अ रिटर्न ऑफ एसबीओ इन फॉर्म नंबर बेन टू विद आर ओसी विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम कंपनी तो क्या है सिंपल बात है बेटा जनरल चैप्टर पूरा नहीं किया सर हाँ जी पूरा नहीं हुआ पूरा करेंगे बेटा अच्छा तीसरी चीज समझिए कंपनी ने एक रजिस्टर्ड रजिस्टर करना है जिसको हम क्या बोलते हैं रजिस्टर ऑफ एस बी ओ इन फॉर्म नंबर बेन थ्री एंड विच इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी द फीस एक बार ओ में पूरा वापस से बता रहा हूं एकदम है ना एकदम तार तार खोल देना इसका बेटा एसबीओ से ही क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर थ्री में बेटा एसबीओ से ही क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर थ्री में तो ध्यान से सुनना बताता हूं लास्ट पॉइंट भी बताता हूं पहले तो बताओ एसबीओ होता कौन है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एकदम होले होले कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास पच्चीस परसेंट है अच्छा शेयर्स कैसे आए अकेले के पास है या किसी और पर्सन के पास है मतलब मिला के या किसी ट्रस्ट के थ्रू होल्ड करता है या तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होल्ड करता है ठीक है ना मोहम्मद पॉइंट नंबर या तो फिर सच परसेंटेज आपके पास टेन परसेंट का क्या है वोटिंग राइट्स तो भी आप एसबीओ के लाओगे या फिर टेन परसेंट ऑफ टोटल डिविडेंड कंपनी जितना भी डिविडेंड बांटती है ना उसका दस परसेंट आपको मिलता है या फिर आपका सिग्नी सिग्निफिकेंस आपका कंट्रोल है कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस है मतलब है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छा डायरेक्टली मतलब क्या आप खुद शेयर होल्ड करते हो इनडायरेक्टली मतलब क्या जैसे इनडायरेक्टली के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे शुभम अब्बड एक कंपनी को होल्ड करता है और वो कंपनी 10 परसेंट शेयर्स होल्ड करती है रिलायंस में तो मैं कौन बन गया रिलायंस का एसबीओ इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बन गया दूसरा तीसरा एग्जाम्पल शुभम अब्बर किसी ट्रस्ट को होल्ड करता है और ये ट्रस्ट रिलायंस में शेयर होल्ड करता है तो मैं रिलायंस के लिए एस कौन बन गया क्योंकि आई एम होल्डिंग कैसा है मेरा इनडायरेक्ट होल्डिंग है ठीक है 25% सभी को मिला के है ना हाँ जी बंकर जी गॉट द पॉइंट चलिए बहुत बढ़िया जैसे ही आपको मालूम पड़ा आप एसबीओ हो आपको तुरंत किसको इन्फॉर्म करना है कितने दिन के अंदर 30 डेज जैसे ही आप एसबीओ बने या एसबीओ थे एसबीओ से आपकी होल्डिंग कम हो गई या तो एसबीओ हुए उस दिन या तो एसबीओ में चेंजेस आए उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को बताना इन्फॉर्म नंबर बेन 1 कंपनी दोस्तों कंपनी ने आरओ को बताना है रिटर्न ऑफ एसबीओ रिटर्न ऑफ एसबीओ मतलब ये देखिए हमारे कौन है एसबीओ जैसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दे देते हैं हम लोग वैसे ये ये रिटर्न ऑफ एसबीओ देना कि यही लोग हमारी कंपनी के एसबीओ है हा है ना कितने दिन के अंदर थर्टी डेज जिस दिन कंपनी को डिक्लेरेशन मिला ना उसके तीस दिन के अंदर इन फॉर्म नंबर बेन टू और फिर कंपनी ने एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफ एस बी ओ इन बेन Which is open for inspection. हमने एक अपना रजिस्टर करना कि मेरे में में कौन कौन है? मेरे में कौन कौन SBO है Got the point. यहां बात एकदम क्लियर है, सर, 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 तक तो क्या होगा हेलोटी अरे वो मेरा नागपुर का टिकट का, नागपुर का टिकट का देखना है आ, आ, हाँ जी नेक्स्ट वन बोला पर्सन फेल टू गिव डिक्लेरेशन कोई मेरे जैसा था है ना ओ बाबू कोई मेरे जैसा था पर्सन फेल टू फेल टू गिव वॉट बेटा आपका डिक्लेरेशन मैं एसबीओ कंपनी का रिलायंस का एसबीओ मेरे को ही मालूम नहीं था है ना मैं बोला ही नहीं तो पर्सन फेल टू गिव डिक्लेरेशन देन रिपोर्टिंग कंपनी जाएगी एनसीएलटी को बोलेगी देखो देखो ये हमारा एसबीओ था इसने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया तो रिपोर्टिंग कंपनी मतलब कौन सी कंपनी रिलायंस क्योंकि आई एम द रिला एस बी ओ ऑफ रिलायंस ना माय कंसेप्ट क्या है मैं एसबीओ हूं एसबीओ को कंपनी ने एसबीओ को इन्फॉर्म करना है कंपनी को कंपनी ने इन्फॉर्म करना है आर ओ सी को एसबीओ कंपनी को इन्फॉर्म करेगा इन बैन वन

एसबीओ ने डिक्लेरेशन देना है कंपनी को कि मैं एसबीओ तुम्हारा और अगर मैंने नहीं नहीं दिया दिया ना मुझे Reliance को declaration देना था I am your SBO, नहीं दिया। तो uh, Reliance जाएगी जाएगी के के पास ग्था ग्था। के पास बेटा <coughs> कि भैया देखो इन्होंने डिक्लेरेशन देना था कि हमारे एसबीओ है इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया रिपोर्टिंग कंपनी शेल अप्लाई टू विद इन within 15 days within 15 days after expiry of period specified in notice ha hai na correct hai atakwa the sunnu nc hai ruk jao ncl the after giving obh may pass following order within what 60 days from the application, अब इस point को थोड़ा सा समझना बेटा कैसे होता है बात समझना बेटा या तो declaration आ जाना चाहिए सी समझना या तो एसबीओ किसको डिक्लेरेशन देगी कंपनी को और कंपनी किसको देगी बेन वन थर्टी डेज बेन बेन टू थर्टी डेज आर ओ सी बराबर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है? है? है अच्छा अब मेरी बात सुनो एसबीओ ने कंपनी को डिक्लेरेशन नहीं दिया एसबीओ ने कंपनी को डिक्लेरेशन नहीं दिया तो कंपनी बोलेगी भैया हम नोटिस देते हैं कंपनी नोटिस देगी किसको एसबीओ को कि भाई डिक्लेरेशन दे, है, दे एसबीओ ने उस नोटिस में टाइम पीरियड लिखा था लेट से थर्टी डेज फोर्टी थर्टी डेज का नॉर्मल टाइम पीरियड दिया जाता है ठीक है ना कि भाई दे देना उसने नहीं दिया तो क्या ये तीस दिन खत्म हो गए तो जैसे तीस दिन खत्म होते हैं उसके पंद्रह दिन के अंदर कंपनी किसके पास जाएगी एनसीएलटी के पास कि हां 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 हाँ, हमने नोटिस भेजी थी अरे हां 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 हमने नोटिस भेजी थी एसबीओ को कि भाई डिक्लेरेशन देखिए एसबीओ ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया एस ने कोई भी डिक्लेशन नहीं दिया हाँ या ना इन दट सिचुएशन एन सी एल टी साठ दिन के अंदर उसको ओ ओ बी एच देगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगी ओ बी एच के कुछ ऑर्डर पास कर सकती है तो क्या ऑर्डर पास करेगी इस पॉइंट को समझना मेरी जान पान की दुकान एनसीएलटी टी आफ्टर गिविंग अच्छा इसके पहले ये यह यहाँ पे रिपोर्टिंग कंपनी अप्लाई टू विद इन डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिस मतलब कंपनी ने नोटिस दी होगी एसबीओ को एसबीओ ने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया जैसे ही वो नोटिस के अंदर टाइम पीरियड खत्म होता है उसके पंद्रह दिन के अंदर जब एसबीओ ने डिक्लेरेशन नहीं दिया हा लेकिन नहीं दिया तीस दिन खत्म हो गए आया ही नहीं डिक्लेरेशन तो कंपनी एक बार बोलेगी चलो हम बोल देते हैं भाई डिक्लेरेशन दे, दे ठीक है कंपनी डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन नहीं दिया लेकिन हम तेरे को तो हाँ नोटिस like तो एक बार वो मांगता है ना कि दे भाई रेंट दे बस सेम वो है एसबीओ ने डिक्लेरेशन देना था नहीं दिया तो कंपनी एक बार उसको बोलेगी कि कंपनी उसको नोटिस देगी कि यू आर दी एसबीओ डिक्लेरेशन दे नहीं दिया, नहीं दिया. तो उसका टाइम पीरियड दिया जाएगा नोटिस के अंदर नहीं दिया उसके पंद्रह दिन के बाद हम कहाँ जाएंगे एंड दिन के अंदर क्या करेगी दोस्तों? कुछ ऑर्डर पास करेगी ऑर्डर नंबर आपका रोक लेगी क्या डिविडेंड फिर आपका रोक लेगी क्या वोटिंग राइट्स? आपके ऊपर क्या लगा सकती है रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर इंटरेस्ट ऑन सच शेयर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब वो वाला ब्याज वाली बात नहीं हुई है इंटरेस्ट मतलब राइट्स जैसे राइट right इश्यू के ऊपर रोक लगा दी बोनस शेयर्स के ऊपर रोक रोक लगा दी तो जो मतलब जो शेयर्स के ऊपर हमको इंटरेस्ट मतलब राइट्स मिलते हैं उस राइट right को रिस्ट्रिक्शन right. और अदर रिस्ट्रिक्शन एज में क्या विच इज नॉट सेफाइड विद सच ऑर्डर तो वो मतलब ऑब्वियस ही बात है एसबीओ होगा ना ऑब्वियस ही बात है कौन होगा एसबीओ होगा इफ एसबीओ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ एसबीओ इज नॉट सेटिस्फाइड अगर एसबीओ क्या नहीं है बेटा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है एनसीएलटी को विदिन वन ईयर फॉर लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर वॉट बेटा आपका लिफ्टिंग ऑफ of... सुनना एकदम प्रोसेस समझना मैं कंपनी है मैंने एसबीओ को नोटिस दिया था हाँ है ना एक मिनट हां मैं कंपनी है मैंने एसबीओ को नोटिस दिया कि भैया अपना डिक्लेरेशन दो उस नोटिस में टाइम पीरियड दिया था कि इतने दिन के अंदर डिक्लेरेशन देना है नहीं दिया तो नोटिस का टाइम एक्सपायर होने के बाद पंद्रह दिन के अंदर अंदर मैं कहाँ जाऊंगा एनसीएलटी के पास जाऊंगा एनसीएलटी शल पास दी ऑर्डर विद इन सिक्सटी डेज आफ्टर गिविंग ओ बी एच अब ऑर्डर क्या पास करेगी उसका डिविडेंड रोक देगी उसका वोटिंग राइट right रोक देगी उसका इंटरेस्ट या मतलब उसके अदर उसको रोक देगी या कोई अदर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो लगा देगी अब रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद एसबीओ वॉज नॉट हैपी क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए तो एसबीओ कैन अपील टू होम एनसीएलटी कितने दिन के अंदर विद इन वन ईयर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एनसीएल एक साल के अंदर आप कहा जा सकते हो एनसीएल के पास जा सकते हो एक साल के अंदर आप कहा जा सकते हो बेटा NCLT के पास जा सकते हो कि जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाए ना अरे उसको निकाल दो जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाए ना उसको निकाल दो छ महीने छ महीना क्या साठ दिन हाँ क्या बेटा ऑर्डर एनसीएलटी के पास जाओगे यस ऑर्डर भी एनसीएलटी लाया अपील भी एनसीएलटी को ही करोगे एक मिनट एसबीओ एक बार मैं आपको यू नो मॉड्यूल से भी दिखा देता हूं क्योंकि ये चैप्टर का एक ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एसबीओ अच्छा ये मिनिमम नंबर बताए ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ठीक है अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं तो छह महीने तक अंदर छह महीने के अंदर क्या करना है वापस से नंबर बढ़ाना है कंपनी में सात लोग चाहिए पांच हो गए भैया तो छे महीने के अंदर बढ़ाना है और नहीं बढ़ाए तो आपकी लाइबिलिटी कैसी हो जाती है अनलिमिटेड है ना मिनिमम नंबर ऑफ का रिक्वायरमेंट अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो कितने महीने मिलते हैं आपको छ महीने छह महीने के अंदर आपको नंबर वापस बढ़ाना है और अगर आपने नंबर नहीं बढ़ाया ना तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी एक्सपल्शन ऑफ मेंबर इज नॉट अलाउड चार एसबीओ इम्पोर्टेंट है एसबीओ इज एस बी ओ जिसकी होल्डिंग कितनी है टेन परसेंट शेयर्स या टेन परसेंट वोटिंग राइट्स या टेन परसेंट डिविडेंट या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ठीक है क्या बेटा यहां एनसीएलटी का रिस्ट्रिक्शन है वो वो रिस्ट्रिक्शन निकालने के लिए के लिए एनसीएलटी पास ही इट्स नॉट अपील मतलब ऑर्डर वाला अपील नहीं है रिस्ट्रिक्शन निकालने वाला अपील है ठीक है तो ये चार पॉइंट याद रखना हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बेटा 25% वाला है इन्होंने यहां नहीं दिया हुआ है लेकिन अभी उन्होंने लिमिट चेंज कर दी वैसे ही अपने को कितना याद रखना है 10% ठीक है ना अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो 25% लिखा हुआ है एसबीओ का एंड देन उसके बाद उन्होंने लिखा और सच परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड तो स्पेसिफाइड में कितना बोल दिया है टेन परसेंट ये देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट दिख रहा है क्या एवरी इंडिविजुअल पच्चीस परसेंट होल्ड करता है और सच परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब तो प्रिस्क्राइब में कितने परसेंट है बोलो जल्दी से टेन परसेंट ऑफ शेयर या टेन परसेंट ऑफ वोटिंग राइट या टेन परसेंट ऑफ डिविडेंट या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ठीक है क्या ठीक है क्या अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग समझ में आ गया ना ठीक है ना इनडायरेक्ट होल्डिंग पे ऊपर इतना फोकस नहीं करना है इनडायरेक्ट होल्डिंग ट्रस्ट के थ्रू हो सकता है किसी और के थ्रू हो सकता है चलिए ये देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो देख लेते हैं एस होल्ड्स डायरेक्टली टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड एंड ही होल्ड्स फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी इन एच लिमिटेड विच होल्ड्स वन परसेंट इक्विटी इन ए लिमिटेड है या नहीं है, है या नहीं है एस देखो क्वेश्चन सुनना बेटा अच्छे से क्या बोला देखो एस होल्ड डायरेक्टली टेन परसेंट इन ए लिमिटेड तो S का होल्डिंग लिमिटेड में फिर एंड ही होल्डी फाइव इन एच लिमिटेड और एच में कितना होल्ड करता है फिफ्टी फाइव एंड विच परसेंट मतलब एच लिमिटेड विच होल्डेंट इक्विटी इन ए लिमिटेड तो मुझे बताओ एस की टोटल होल्डिंग कितनी होगी ए में दस और एक ग्यारह इनडायरेक्टली एक हो गई ना अरे मैं कंपनी को कंट्रोल करता हूं कंपनी उसको कंट्रोल करती है मेरा डायरेक्ट होल्डिंग तो दस परसेंट है लेकिन मेरा एक परसेंट का इनडायरेक्ट होल्डिंग भी है ना तो ग्यारह परसेंट होल्डिंग हो गई मेरे पास इफ आई एम होल्डिंग इलेवन परसेंट ना बाबू इफ आई एम होल्डिंग इलेवन ना बाबू तो क्या मैं एसबीओ हूं आंसर इज यस मैं एसबीओ हूं ठीक है करेक्ट है ठके नहीं बाबू यस सर नो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों मिला के हम काउंट करते हैं बेटा तो भी काउंट होते थे ना यस 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 दूसरा देखना एस होल्ड कितना एट परसेंट इक्विटी वाइल एम होल्ड सेवन परसेंट इक्विटी इन ए लिमिटेड एंड दे आर डीम्ड टू बी एक्ट टूगेदर तो होगा कि नहीं होगा एस होल्ड एट परसेंट इक्विटी वाइल एम होल्ड सेवन परसेंट ऑफ इक्विटी इन ए लिमिटेड एंड दे आर डीम टू एक्ट टूगेदर सो देव क्या बोला है एस होल्ड एट परसेंट एम सेवन परसेंट दे आर डीम टू एक्ट टूगेदर एस एंड एम आर नॉट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एज देर इज नो इन डायरेक्ट होल्डिंग देर एक्टिंग टूगेदर इज इरेवेंट मतलब क्या मतलब क्या अगर इंडायरेक्ट का मतलब भैया आपका किसी के ऊपर कंट्रोल है और वो बंदा होल्ड कर रहा है ऐसा तो मैं रिलायंस के अंदर दस परसेंट होल्ड करता हूं म, मैं रिलायंस के अंदर पांच परसेंट होल्ड करता हूँ मोदी सर पांच परसेंट होल्ड करते हैं तो हम एस हो जाएंगे नहीं ना मेरा मोदी सर के ऊपर कंट्रोल है मोदी सर का मेरे ऊपर कंट्रोल है नहीं है समझ में आ रहा है सुनो दिस इज इंडिविजुअल होल्डिंग दैट्स वाई ये कंसिडर नहीं किया जाएगा होल्डिंग देखो इंडिविजुअल होल्डिंग मतलब क्या या तो मैं किसी कंपनी को होल्ड करता हूं कंपनी उसमें होल्ड करती है या तो मैं किसी ट्रस्ट को होल्ड करता हूं ट्रस्ट उसको होल्ड करती है या तो मैं एच हूं और एच उसमें होल्ड करती है जब कंट्रोल आएगा ना तो हम मानेंगे कि आप साथ में ऐसे तो प्रीति के पास दो परसेंट शेयर है इसके पास पांच परसेंट शेयर है इसके पास पांच क्या तीनों एसबी हो जाएंगे ऐसे तो हर कोई एसबी हो जाएगा ऐसा तो हर कोई एस हो जाएगा क्योंकि मिल तो दस परसेंट चली जाएंगे ना मेजोरिटी चलिए ये देखिए अब देखो यहां पे देखिए यहां पे देखिए इस क्वेश्चन से क्लैरिटी हो रहा है आपकी एस होल्ड एट परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स लिमिटेड एस कितना होल्ड करता है एट परसेंट ए में डायरेक्टली एस इज अ करता ऑफ एच एंड दैट होल्ड सेवन परसेंट क्या अब होगा करता है कंट्रोल करता, करता है तो होगा एस इज एस बी ओ सी होल्ड फिफ्टीन परसेंट ऑफ इक्विटी हाँ या ना चलिए ये देखो चौथा देखो और क्लैरिटी आएगी चौथा देखो की और क्लैरिटी आएगी है ना चौथा देखो और क्लैरिटी आएगी सेटअप लगेगा कि नहीं लगेगा अजी लगेगा कि नहीं लगेगा है एसबीओ क्यों क्योंकि ट्रस्टी अरे ट्रस्ट है ट्रस्ट को कौन कंट्रोल करता है ट्रस्टी एस होल्ड एट परसेंट मिस्टर एस इज ऑल्सो ए ट्रस्टी दैट होल्ड कितना थ्री परसेंट ही इज ए एस बी ओ क्योंकि उसका होल्डिंग कितना हो गया ग्यारह परसेंट डन क्या तो अब आपको समझ में आ रहा कि कहा है कि कहां है कहां नहीं है सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए देखो इंडिविजुअल मेरी बात को ध्यान से सुनो यार आठ परसेंट होल्ड करता हूं दूसरा सात परसेंट होल्ड करता है है ना ये भले ही हम क्या है यहां पे हमने क्या बोला एक्ट टूगेदर एक्ट टूगेदर मतलब मैंने आठ परसेंट लिया उसने सात परसेंट लिया मैंने आठ परसेंट लिया उसने सात परसेंट लिया होता है ना ये देखो लिमिट क्या है एसबीओ का लिमिट कितनी है अगर वो कंपनी के अंदर नॉट लेस देन टेन परसेंट मतलब दस परसेंट अगर होल्ड करोगे तो एस है ठीक है गॉट द पॉइंट चलिए भाई यहां तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन जान के मैंने करवाया आपको क्यों करवाया अच्छा ऑब्लीकेशन देख रहे हो मैं मॉड्यूल एक बार बता रहा हूं शुरू आपको इनिशियली ऑब्लिकेशन आपको देखना पड़ेगा किसके अंदर देना पड़ेगा डिक्लेरेशन बेन वन के अंदर देना है करेक्ट है जब भी कोई चेंजेस आएंगे तो भी आपको क्या करना है बेन वन के अंदर देना है अच्छा कुछ प्रोविजन ऐसी है जो आउटडेटेड हो चुकी है नब्बे दिन का प्रोविजन दिया ना नब्बे दो जितना मैं बोला उतना ही करना है कुछ चीजें इरेवेंट हो है? कुछ चीजें इरेवेंट हो चुकी है तो वो आपको अभी यहां पे करने की जरूरत है नहीं है उतना कर लेना अच्छा कंपनी बेन टू को बेन टू के अंदर बताएगी कितने दिन के अंदर थर्टी डेज के अंदर अच्छा हम क्या कंपनी को नोटिस देंगे यस और नो भाई ऑब्लिगेशन इंडिविजुअल का है लेकिन कंपनी का भी ऑब्लिगेशन है कि उसको नोटिस दे कि डिक्लेरेशन दो कौन सा वाला नहीं समझा बताओ कौन, मैं एकदम आराम से जो नहीं समझा मेरे को बताओ मैं वापस से रिपीट करेगा मैं वापस से रिपीट करेगा दोस्तों इस कंसेप्ट में कोई भी अपन घाई गड़बड़ नहीं करेंगे एकदम बोले इट मीन ज्वाइंट में नहीं कर सकते यस बेटा यस यस क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं है उसका अगर वो रिलेटिव है फैमिली मेंबर है तो जैसे एच यू एफ आ गया ना हाँ, अच्छा अभी एक बार का समाउ पूरा एक बार पूरा समप हूं ध्यान से सुनो हु इज एसबीओ को बताओ, पहली चीज जो कंपनी के अंदर कितना होल्ड करता है 25% परसेंट शेयर होल्ड करता है और सच अदर परसेंटेज एज में बी स्पेसिफाइड आराम से सच अदर परसेंट में वो टेन परसेंट क्या होल्ड करता है शेयर्स या टेन परसेंट क्या होल्ड करता है वोटिंग राइट्स या टेन परसेंट क्या मिलता है उसको डिविडेंट मिलता है या टेन परसेंट क्या मिलता है उसको डिविडेंट मिलता है गॉट द पॉइंट कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है कंट्रोल है या तो उसका क्या है बेटा सिग्निफिकेंस कंट्रोल है या तो कोई दिक्कत है बोलो जल्दी से अच्छा होल्डिंग डायरेक्टली भी होगी इनडायरेक्टली भी होगी इनडायरेक्टली होल्डिंग कैसे हो सकती है कंपनी के थ्रू ट्रस्ट के थ्रू एच के थ्रू या कोई बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू मतलब आप इनको कंट्रोल करते हो और ये कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करते हैं अब कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं नहीं आप एसबीओ हो आप क्या हो एसबीओ हो आपने जैसे ही आप एसबीओ बने हो या एसबीओ में चेंजेस आए उसके थर्टी डेज के अंदर आपको बेन वन में किसको बताना है कंपनी को बताना है एच में सिर्फ करता आएगा ऑब्वियसली बात है बिकॉज ही इज द डिसीजन मेकर और कंपनी किसको बताएगी को थर्टी डेज के अंदर इनफॉर्म नंबर कोई दिक्कत इसमें नहीं तो देने का काम किसका है? का है किसको देना है लेकिन अगर दो मिलाकर एसबीओ बनाया है तो एक दूसरे में पचास कंट्रोल होना चाहिए सर दो लोग मिलकर एसबीओ कंपनी बनाइए तो पचास परसेंट ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए तीसरा बेटा कंपनी क्या करेगी नोटिस देगी किसको एसबीओ की भाई डिक्लेरेशन दो उस नोटिस में क्या लिखा जाएगा टाइम पीरियड भी लिखा जाएगा अगर उसने नहीं दिया नोटिस तो कंपनी डायरेक्टली किसको बताएगा एनसीएलटी को कितने दिन के अंदर पंद्रह दिन के अंदर मतलब ये नोटिस में टाइम पीरियड लिखा था उसके पंद्रह दिन के अंदर अब एनसीएलटी ने ऑर्डर दे देना कितने दिन के अंदर साठ दिन के अंदर ऑर्डर देने के पहले क्या क्या देगा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑफ यस और नो क्या ऑर्डर दे सकता है उसका क्या रोक सकते हैं हम लोग डिविडेंड रोक सकते हैं वोटिंग रोक सकते हैं या कोई अदर राइट है वो रोक सकते हैं या फिर कोई और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं डन अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन निकलवाना है तो आपको एक साल के अंदर अंदर एनसीएलटी को अपील करनी पड़ेगी कि भैया ये रिस्ट्रिक्शन निकाल दीजिए प्लीज निकाल दीजिए रिस्ट्रिक्शन ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैंने बुक्का मार देना तुम लोगों को ठीक है अच्छा आपने नॉन रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं किया आपने तो क्या होगा पंद्रह दिन के अंदर हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे राइट सस्पेंड कर देंगे ट्रांसफर को रोक देंगे ये बहुत सारे पावर अपन यहां पे पास कर सकते हैं हाँ ना? है ना ठीक है पेनल्टी करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए दैट्स इट यस बेटा हाउ इसके नोट्स भेज देता हूं मैं आपको ठीक है हाँ अभी भेज देता हूं हा एसला एसला तीन बजे लेते हैं कितने बजे है? क्या बोल रहे चले ठीक है ओके सो अभी देखो देखो अपना चैप्टर नंबर थ्री भी हो गया yes, यस कंप्लीट uh -huh. हो गया छोटा सा चैप्टर था थ्री हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया सेवन हो गया एट हो गया टेन हो गया ट्वेल्व हो गया फोर्टीन ah! हो गया फिफ्टीन हो गया सिक्सटीन हो गया सेवनटीन हो गया एटीन हो गया नहीं नहीं फोर्टीन नहीं फिफ्टी मॉड्यूल के हिसाब से कर ना फिफ्टीन हो गया सिक्सटीन हो गया सेवनटीन हो गया एटीन हो गया और ट्वेंटी हो गया इतने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ठीक है ना फोर्टीन नहीं हुआ वो एस पर है एक हमारा जनरल मीटिंग वाला नाइनटीन वाला बचा हुआ है ठीक है नाइन वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है और चैप्टर टू ये तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं आपके चैप्टर नंबर फोर इनटी फोर नाइनटीन और टू ये इसका ले लेते हैं एक मैराथन इसका ले लेते हैं मैराथन परसों ले ले? परसों तुम्हारा कोई मैराथन नहीं है ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मैं ऑफलाइन लेता हूं बेटा सर अगर एक ईयर में रिप्लाई नहीं किया तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा हाँ 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 यस राहुल यस अच्छा सुनो एक पॉइंट और मेरी बात सुनो पांच तारीख और सात को एसबीसी है अच्छा ठीक है अच्छा सुनो सुनो, सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो हाँ एक पॉइंट सुनो कि भाई जब भी आप ना कभी भी अगर एस का एक साल तक आप क्या कर सकते हो निकलवा सकते हो मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एसबीओ वाला का एक पॉइंट सुन लो एक साल के अंदर आप अपना क्या कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर सकते हो और यहां बोला ऐसा है कि अगर आपने एक साल में रिस्ट्रिक्शन नहीं निकलवाए ना तो एसबीओ के सारे के सारे शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे और वहां से रिक्लेम करना पॉसिबल नहीं होगा सुनो एक पॉइंट रह गया यस इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया मेरी बात सुनो क्या है पॉइंट बेटा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके जो शेयर्स है वो कहां चले जाएंगे बोलिए जी वो कहां चले जाएंगे एक साल के बाद वो आपके शेयर्स कहां चले जाएंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में और वहां से आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते हो रिक्लेम मतलब वापस नहीं मिलेगा वो गए वो शेयर्स घो वो शेयर्स तो घियो वहां से क्लेम हो सकता था लेकिन एसबी वाले शेयर्स क्लेम नहीं कर सकते हो। क्या कर रहे हैं बिकॉज उसने वैसे तो फोर फीचर भी होता है वैसे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो ठीक है चलिए ये क्या बोल रहा है भाई हाँ सागर हाँ जी दोस्तों ठीक है क्या अच्छा मेरी बात सुनो मैं अभी आपको लीगल फ्रेमवर्क का लिंक दे रहा हूं लीगल फ्रेमवर्क का मैंने आपको लिंक भेजा है ठीक है सुन लो मेरी प्लानिंग सुन लो अभी लीगल फ्रेमवर्क का मैंने आपको लिंक भेजा है चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन का उसको आपको देखना है उसको आपको देखना है आज ही देख के कंप्लीट कर दो आज देखे मेगा फर्म और एस एस बी तो आधे आधे घंटे के हैं मेगा फर्म और तो आधे-आधे घंटे के हैं बेटा तो अभी अपना मेन तीन चैप्टर तीन कौन से फोर सेकेंड और नाइनटीन ये इसका एक मैराथन लेंगे पूरा खत्म करेंगे उस दिन नहीं हुआ बारह घंटे पिल देंगे लेकिन इसको पूरा खत्म करेंगे अब सुनो ना ये खत्म होने के बाद हमारा पूरा फोकस पूरा फोकस स्विच हो जाएगा केस स्टडी सॉल्विंग पे ठीक है तो अब से आपके मतलब अभी एक ही लेक्चर लेने वाला हूं मैं रिवीजन में अभी आपका एक ही लेक्चर होगा बड़ा marathon. बड़ा मैराथन मैराथन बाकी सब लेक्चर में अब आज से क्या होगा राइटिंग प्रैक्टिस दैट्स इट राइटिंग प्रैक्टिस मतलब केस स्टडी सोल्व ऑफलाइन ऑब्बियसली बात है जिनको ऑफलाइन आना है ऑफलाइन जिनको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन तो अब से एक मैराथन का अनाउंसमेंट डाल दूंगा मैं लास्ट मैराथन होगा ठीक है मैं डाल दूंगा अनाउंसमेंट जब भी होगा बता दूंगा मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली तारीख को ठीक है मोस्ट प्रोबेबली बारह तारीख को तब तक सबके मैराथन कंप्लीट हो जाएंगे तो बारह को ले लेंगे सात को खत्म हो रहा है आठ को मेरा एसलो का मैराथन है फिर आठ को मेरा एसलो का मैराथन है और दस को मेरा ईबीसीएल का मैराथन है तो एक एक दिन का गैप करके बारह को मेरा क्या रख देंगे दस को का अपना अनाउंस हुआ है तो ग्यारह को ले लूंगा मैं चार कब है मैं उधर जा रहा हूं ना तो छह बजे का ट्रेन है तो पांच बजे निकलना पड़ेगा तो वो होगा नहीं था. या ले लू क्या चार तारीख को कुछ है क्या चार तारीख को ले लेते खत्म कर देते हैं? खत्म कर देते हैं चार तारीख को हो जाएगा चार तारीख खत्म कर देते हैं। काम करते हैं चार तारीख को ले लेते हैं खत्म नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है पवन सर की पवन सर की तबीयत ठीक नहीं है पवन सर का बोल रहे थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी मेरी बात हुई कब बोले अरे दोपहर अभी मेरी बात हुई ऊपर एक वीडियो भी बनाया फिर वो वीडियो डिलीट करना पड़ा ठीक है चलो चार तारीख को ले लेते हैं खत्म करते हैं यार ठीक है चलिए टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम बाय लीगल फ्रेमवर्क वाला देख लेना है बारह को ले लो सर नहीं अभी ले लेता हूं बारह फिर अभी रिविजन फिर अपन चालू कर देते हैं केस स्टडी ना यार पचास सौ दो सौ केस स्टडी पांच सौ केस स्टडी सॉल्व कर देते हैं चलिए टेक केयर बाबा गुड नाइट